कौन बनेगा राष्ट्रपति? अमेरिका में नतीजों की है घड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। 5 राज्यों में ट्रंप को अभी तक 90 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। शुरुआती बढ़त यहां पर रुझानों में और नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए, पल पल ये आंकड़ा बदल रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है, कुछ और राज्य जो रिपब्लिकन पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़कर अब 105 पर पहुंच गया है। 105 का आंकड़ा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स का डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हासिल कर लिया है। 270 वो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला, उसका लक्ष्य लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही चले हैं। लेकिन फिलहाल कमला हैरिस बहुत पिछड़ती हुई डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के अब तक 105 वोट जा चुके हैं। लेकिन अभी सस्पेंस इसलिए बाकी है क्योंकि ये जो नतीजे आ रहे हैं वो सेट पैटर्न के हिसाब से आ रहे हैं। अमेरिका में चाहे मतदान हो या फिर नतीजे, उसका सिस्टम भारत से अलग है। अमेरिका में जो राज्य में जिसको बढ़त मिलती है, उस राज्य के सारे वोट उसी उम्मीदवार के खाते में चले जाते हैं। इसीलिए ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो हैं, वो एक तरीके से एकमुश्त जाते हुए आप देख रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस। कमला हैरिस के खाते में 72 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स अभी तक जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 105 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे वॉशिंगटन से मधु भाटिया, जहां हमारे साथ मौजूद है। मधु, अभी भी सब कुछ सेट पैटर्न पर या फिर कोई उलट फेर होता हुआ देख रही हैं आप इन शुरुआती रुझानों और नतीजों में? जी बिल्कुल नहीं, फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। इसमें कोई उलटफेर होने की संभावना किसी भी बड़े राज्य में फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। ये उन्हीं राज्यों के रिजल्ट्स हैं जहां पर इतनी जल्दी अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये राज्य एक उम्मीदवार के खाते में जा रहा है, यानी वो साफ बात है कि वो राज्य हैविली या तो डेमोक्रेट्स का है या फिर हैविली वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है। तो इसीलिए यही वजह है कि इतनी जल्दी वहां के रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद, जबकि काउंटिंग अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, 100% काउंटिंग खत्म नहीं हुई है उन राज्यों में, लेकिन वो जिस तरह की काउंटिंग्स के रुझान काउंटीज से आते हैं, उन काउंटीज में साफ है कि ये कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, कोई बड़ा फेरबदल फिलहाल नहीं देखा गया है। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे इस बड़ी कवरेज में, लगातार बने हुए हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो हैं वो 105 पहुंच चुके हैं, और कमला हैरिस के खाते में 72 वोट्स इस वक्त आप देख रहे हैं। 270 बहुमत वाला जादुई आंकड़ा है, कौन इस आंकड़े को टच करेगा इसी को लेकर सबकी नजर है। तो लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं, कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? आज नतीजों की घड़ी आ गई है और नतीजे आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर रिपब्लिकन्स, मतलब उसमें साफ तौर पर रेड पार्टी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कांटेदार मुकाबला हुआ था, आर पार की टक्कर थी। बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट जो हैं, रणनीतिककार जो हैं, वो नहीं ये जज कर पा रहे थे या कयास लगा पा रहे थे कि आखिरकार कौन इस बार जीतने वाला है। लेकिन बावजूद इसके अब तरीके से वो रुझानों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसमें क्लियर कट लीड फिलहाल लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नजर आ रहे हैं। आशीष, शुरुआती खबर अच्छी खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए? अच्छी खबर है, और अगर ऐसा होता है आखिरकार, अभी कह नहीं सकते, बहुत जल्द प्रेडिक्ट करना होगा। आपसे मैं बात कर रहा हूं तब मैं देख रहा हूं कि पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस शायद आगे हैं, आगे चल के पता चलेगा। ये भी एक बड़ा क्रूशियल स्विंग स्टेट है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन अगर ट्रंप जिस तरह के अभी रुझान आ रहे हैं और पक्ष में ही जाता है अगर उनका नतीजा, तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप सही कह रही थी लगातार कि इतिहास क्रिएट हो जाएगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हिस्ट्री में। भारत के लिहाज से भी अगर देखें रुमाना, तो शायद ये थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि भारत के करीबी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका अपना पर्सनल एक रैपो साल दर साल ऐसा डेवलप हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वापस आता है तो भारत और अमेरिका के बीच में जो बाईपार्टिजान, हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा और बोन होमी को आगे बढ़ाएगी, स्ट्रैटेजिक रिश्ते और मजबूत हो सकेंगे। बहरहाल ट्रंप के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर होगी, खुशी की बात होगी अगर वो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। बनाए हुए जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं 105 वोट्स के साथ, और कमला हैरिस जो है वो 72 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर स्विंग स्टेट्स की बात की जाए तो इन स्विंग स्टेट्स में एक जॉर्जिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी अगर स्विंग स्टेट्स, यहां पर गिनती शुरू हो गई है, उसमें चाहे मिशिगन हो, उसमें चाहे नॉर्थ कैरोलिना हो या फिर पेंसिल्वेनिया हो, ये तीनों स्विंग स्टेट्स जो है फिलहाल हल्के नीले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब हैरिस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बस शुरुआती गिनती है जो शुरू हुई है, और नतीजों में किस तरीके से तब्दील होगी इसी तो सारा सस्पेंस है।
तो नतीजों की घड़ी, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आज नतीजे सामने आना शुरू हो चुके हैं और अभी तक शुरुआती बढ़त डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पेच इसलिए बाकी है क्योंकि वो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो किसकी झोली में जाएंगी, इसी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। और ऐसे में अगर मामला जिस तरीके से प्रचार में पूरी की पूरी चुनावी लड़ाई में बिल्कुल टक्कर वाला बराबरी का रहा और इसी तरीके से अगर नतीजों में ये कन्वर्ट होता है और बात टाई पर आ जाती है तो फिर फैसला कैसे होगा, इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपने डेटा सेंटर सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल, देखिए अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप देखिए क्या हो सकता है, कई परिस्थितियां बन सकती हैं। हालांकि साल 1800 में आखिरी बार ऐसा हुआ था, मुकाबला टाई हुआ था, यानी बहुत पहले दोनों मुख्य उम्मीदवारों को बराबर वोट तब मिले थे। 1800 के बाद कभी भी मुकाबला टाई नहीं हुआ। टाई होने पर फैसला अमेरिकी संसद में होगा, जो वहां के प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति को चुनेगा, अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो फिर ये होगा। सीनेट अमेरिका के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा। इस तरह की परिस्थिति के लिए ये विकल्प वहां पर है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति को तब चुनेगा। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तरीका जिसके बारे में आपको अखिलेश बता रहे थे, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ ग्राउंड पर। हमारी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त मौजूद हैं। मधु, ये फिलहाल शुरुआती रुझान में डोनाल्ड ट्रंप आगे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहद दिलचस्प है ये आंकड़ा जो मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें चाहे मिशिगन की बात कर ली जाए, नॉर्थ कैरोलिना की बात कर ली जाए, पेंसिल्वेनिया की बात कर ली जाए, यहाँ पर अभी कमला हैरिस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मतलब जो कहा जा रहा था कि मामला बहुत करीबी नजदीकी वही होता हुआ इन शुरुआती रुझानों में भी नजर आ रहा है। मधु जी, ये मामला करीबी ही रहेगा आखिर तक। और मैं आपको समझा दूं कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इन्हें ये सात राज्य क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 105 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में और जितने ट्रंप के खाते जो हैरिस के खाते में आए हैं वो नॉर्मल है। जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि जितने टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं कमला हैरिस के पास 226 कन्फर्म्ड उनको मिलने वाले हैं। ये है तब अगर किसी भी ब्लू स्टेट में फ्लिप नहीं होता है, जो डेमोक्रेट्स का गढ़ है वो डेमोक्रेट्स के खाते में जाता है, जो रिपब्लिकन्स का गढ़ है अगर वो रिपब्लिकन्स के खाते में जाता है तो 226 इलेक्टोरल वोट्स हैरिस को मिलेंगे और 219 ट्रंप को मिलेंगे। ऐसे में स्विंग स्टेट्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ 44 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए हैरिस को 270 का आंकड़ा छूने के लिए और सिर्फ 51 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए ट्रंप को 270 का आंकड़ा छूने में। ऐसे में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन वाले स्विंग स्टेट्स कमला हैरिस के पास जाते हैं तब सिर्फ उन्हें एक राज्य और जीतना है, वो है पेंसिल्वेनिया, और वो 270 का आंकड़ा छू लेंगी। और मैं आपको पिछले एग्जिट पोल से यहाँ पर ये जिस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती वो देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो पिछली बार जो रिपब्लिकन स्टेट मानी जाती है ओहायो लीजिए, वो ओहायो भी यहाँ पर शुरुआती बढ़त जो है वो कमला हैरिस को दे रही है। तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिपब्लिकन पार्टी के जो गढ़ थे वो कमला हैरिस की झोली में आते हुए नजर आ रहे हैं। मामला बेहद दिलचस्प है, ये कांटे की लड़ाई और इसी तरीके से नतीजे जो हैं वो बहुत ही बराबरी वाले अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल भले ही आपको डोनाल्ड ट्रंप 105 पर नजर आ रहे हो, कमला हैरिस जो है वो 72 पर नजर आ रही हो, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नजर नहीं आती है अगर जरा सा भी आप गहराई में देखें तो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।